गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा, जब मेरे सामने रास्ता इतना है बड़ा। जब तक मंजिल पा ना सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना मेरा काम है, चलना मेरा काम है। इन पंक्तियों के साथ मैं विवेक आहार स्वागत करता हूं आप सभी युवा दोस्तों का आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम युवा समय में। और आज का जो हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है वो है सफलता की कुंजी। ये सफलता की कुंजी हमें बतलाती है कि हमें लक्ष्य को कैसे साधना है। और आज का मोरल मंत्र भी यही है कि सफलता ही वो पहली सीढ़ी है जिसे आप अपनी मेहनत से पा सकते हैं। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं पा सकते हैं, और सफलता को यदि पाना है तो आपको कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेहनत किस तरीके से करनी है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ में स्टूडियो में हैं एक ऐसे युवा जिन्होंने अपनी मेहनत और सफलता से ये बतला दिया है कि आप बस मेहनत करो, सफलता आपसे दूर नहीं है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने स्टूडियो में आमंत्रित करता हूँ हमारे युवा साथी अभिषेक श्रॉफ जी का। तो शुभकामनाओं के साथ एक बार आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जितनी कही जाए उतनी कम है, क्योंकि यूपीएससी में 8th रैंक है आपकी, प्रदेश में पहली रैंक है। और इतनी खुशी जब होती है ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है कि हम लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने कब ये निर्णय लिया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम यानी आईएएस की तैयारी करना है। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपने दो शब्द कहने का मौका दिया। मैं इस चीज़ का बहुत आभारी हूँ कि मैं अब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ और वो किसी के काम आएंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे सोसाइटी और अपने कंट्री के लिए भला करने के लिए। सर आपके सवाल पर आते हुए मैं ये बोलूँगा कि मेरे लिए ये एक इवोल्यूशनरी स्टेज था। मतलब धीरे धीरे करके मेरा मन बना। कॉलेज में आईआईटी कानपुर में जब मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला सिविल इंजीनियरिंग का। मैंने एकेडमिक्स भी करा, क्लासेस भी अटेंड करी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी करे इंडिया के बाहर और इंडिया में भी, और उसके बाद मैंने जो टेक्निकल फेस्टिवल होता है उसमें भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए। इससे मोटिवेशन मुझे मिला कि मैं फील्ड पर जाकर सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो मैंने जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है जिसको पहले आईईएस कहते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आजकल उसको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कहते हैं, तो 2013 में मैंने वो क्लियर किया। ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी मेरी, और उसके बाद मैंने रेलवे ज्वाइन किया एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ट्रेनिंग के दौरान मैं दूसरे प्रोबेशनर से मिला, जो रेलवे के सारे प्रोबेशनर्स होते हैं अलग अलग एग्जाम देके आते हैं, उनका एक फाउंडेशन कोर्स होता है नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे में वडोदरा में। तो वहां पे उन सबसे मिला, वहां पे मेरे को ये देखने का मौका मिला कि सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया के बाहर बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है करने को। और मेरा ये नेचर है कि मुझे नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, और जो मैं सीख रहा हूँ उसको अप्लाई करना भी अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे मैं जनरल स्टडीज पढ़ने लगा, करंट अफेयर्स पर फोकस करने लगा, उनके नेतृत्व में रहते हुए, मेरे बैचमेट जो थे उनके नेतृत्व में रहते हुए मैं पढ़ने लगा जी। और फिर धीरे धीरे मुझे इतना इंटरेस्ट आया इसमें कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसा करियर चाहिए जहां मैं रोज नई चीजें सीखूं, रोज नई चीजें अप्लाई करूं, और नेचुरल उसका कंक्लूजन था सिविल सर्विस ज्वाइन करना। ओके फाइनली। तो देखिए आपने ये जो एक प्रोसेस है एक आगे बढ़ने की, वो ये है कि आप बिल्कुल निरंतर नई चीज़ें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आप जब इन सब चीज़ों को सीखते हैं तो आगे बढ़ने का एक अलग एक नया तरीका और एक सफलता की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि यूपीएससी की तैयारी जब भी हम करते हैं तो एक मन के अंदर धारणा होती है कि हमें काफ़ी घंटे समय देना पड़ेगा और कई बार विफलताएँ हमारे हाथ में आती हैं, तो इन सब की तैयारी आपने किस तरीके से की? सर देखिए आपने बिल्कुल सही बोला है कि यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी जितना आपका नॉलेज का एग्जाम है, यूपीएससी जितना आपका नॉलेज का एग्जाम उतना ही आपके कैरेक्टर का भी एग्जाम है। कि कितना आप पेशेंस से, कितना आप परसिवियरेंस से आप काम कर सकते हैं, कितना आप फेलियर्स को फेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो पहली बार में रैंक वन भी ले आए हो, उनको भी अपने टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं फेलियर से जूझना पड़ा होगा। कभी उनके मार्क्स नहीं आए होंगे, कभी उनको चीज़ें याद नहीं रह रही होंगी, कभी उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा वो क्या पढ़ रहे हैं, ये हर किसी के साथ होता है। तो यूपीएससी की तैयारी में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 12-13 घंटे की मेहनत लगती है। मैंने भी करी थी, हर कोई जो सिलेक्ट हो रहा है उनने भी करी है। पर उसके साथ मैं ये बोलूंगा कि एक मेंटल हेल्थ वाली जो चीज होती है, जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अभी तक उतना एम्फेसाइज नहीं है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, अपना मेंटल हेल्थ बनाइए, सपोर्ट सिस्टम पे फोकस कीजिए। सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है? आपको जब डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उसको पहचानिए और उसको एड्रेस कीजिए, सप्रेस मत कीजिए। सपोर्ट सिस्टम आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कल आपके साथ थे, आज सिलेक्ट होकर सर्विस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। इस चीज पर मैं बोलूंगा कि फोकस रखिए, पढ़ाई के साथ अपना दुख अगर है कुछ बांटिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए अपने लिए, और उस टारगेट को आप अचीव करेंगे तो आप पॉजिटिव फील करेंगे अपने बारे में।
तो अपना मेंटल हेल्थ स्टेटस भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अभी जब हम बात करते हैं पैंडेमिक के बाद की, क्योंकि ये संकट काल का एक दौर जो चल रहा है, ये बहुत ही विषम परिस्थिति है जहाँ पर हमें कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उस समय पर हमें अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करना होती हैं। एक जो सफलता का मंत्र जो मैंने अभी अभिषेक सर से लिया, वो ये है कि हमें छोटे छोटे टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट हमें पॉजिटिव करते हैं, हमें बतलाते हैं कि हम चाहे कितने भी पीछे आते चले जाएँ, लेकिन हमें एक पॉजिटिव पुश मिलता है जी आगे बढ़ने के लिए। सर थोड़ा सा मैं पर्सनल आपसे जानकारी चाहूँगा। काफ़ी पहले आपके पापा जी नहीं रहे, और उसके बाद फिर पापा चाहते थे कि आप इसकी तैयारी करें, तो वो कंडीशन कैसे रही? क्योंकि परेशानियाँ सबकी होती हैं, हर एक का स्ट्रगल अपना होता है, तो उस स्ट्रगल से लड़ने की ताकत आपको कैसे मिली? कैसे आपने आपके मन में वो मनोबल या फिर वो इच्छा शक्ति लेकर आए कि नहीं, मुझे करना है इन सब परेशानियों के बावजूद भी? देखिए, सच कहूँ तो आपने जैसा कि कहा कि मैं जब 10 महीने का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मेरे लिए मेरी माताजी और मेरे पिताजी का रोल तो मेरी मम्मी ने प्ले किया। उन्हीं ने मुझे चलना सिखाया, उन्हीं ने मुझे स्कूल भेजा, सब कुछ मेरे लिए उनने, जो मेरा वैल्यू डेवलपमेंट होता है, चरित्र निर्माण, वो उनने किया। और फिर उनने मेरे को हमेशा ये बोला कि देखो, जो भी करो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, रेलवेज में जाना चाहते हो, सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको ऐसा लगे कि मैं सबसे हैप्पी रहूँगा, सबसे प्रोडक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा सोसाइटी में, वहाँ जाओ। अब देखिए, एग्जाम में मैंने आपको बताया कि मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था, तो चौथा दिन पहली बार बिल्कुल। मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरी बार 402 रैंक और तीसरी बार 248 रैंक। तो देखिए, पॉजिटिवली थोड़ा थोड़ा मेरे को बूस्ट मिल रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, पर फिर भी ऐसा होता है कि कुछ एक पेपर खराब हो गया, तो उसमें जब आपको मेंटली खराब लगता है तो आपकी फैमिली ही है जो आपको काम आती है, जो फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको सपोर्ट सिस्टम की बात करी, वो काम आती है। वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम का क्रिटिकल एलिमेंट थी मेरी मदर। उनने मेरे को ये बताया कि देखिए, आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, आपको जितना टाइम लग रहा है उतना लीजिए, जितने अटेम्प्ट लगाना है उतने लगाइए। घर में मेरे को ये माहौल रखा गया कि स्ट्रेस फ्री होकर मैं पढ़ाई कर पाऊँ, कुछ भी घर में दिक्कत भी आती थी तो मेरे बड़े भैया हैं, मम्मी हैं और भाभी हैं, उनने पूरा हैंडल किया, मेरे को बताते भी नहीं थे, क्योंकि अगर आपके मन में स्ट्रेस आ जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे मामा जी का, श्री विनीत कुमार जैन, जो स्टेट सर्विस से पुलिस सर्विस में है और अब IPS ऑफिसर है, मुरैना में पोस्टेड है। उनने मेरे को हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, वो खुद भी पढ़ाकू नेचर के थे, और हाँ उनने मेरे को हमेशा ये दिखाया कि देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं आज नहीं तो कल आपके काम आएगा। बिल्कुल। और मैं इसी को कंक्लूड करना चाहूँगा अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट द लेट श्री APJ अब्दुल कलाम के शब्दों से। उनने बोला था, एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज, END, एफर्ट नेवर डाइज। एफर्ट नेवर डाइज। तो उससे मैंने हमेशा मोटिवेशन लिया कि आप पढ़ते जाइए, आज नहीं तो कल काम आ जाएगा, और उसका रिजल्ट अब आप सबके सामने है। बिल्कुल। पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे आसपास बिखरी होती है, ज़रूरत होती है बस हमें चुनने की। और APJ अब्दुल कलाम की कई सारी ऐसी सकारात्मक पंक्तियाँ हैं जो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम किसी भी परिस्थितियों में, हमें हारना नहीं है। सपने वो नहीं होते हैं जो हमें रातों में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद से जगाते हैं। बिल्कुल तो सही। जो सपने आपको नींद से जगा दें तो वो आपको आगे तक ले जाते हैं। अभी सर हम लोगों ने बात करी स्ट्रेस की, और स्ट्रेस का लेवल जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है इसके अलावा भी, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी आप एक ही चीज़ में कंटिन्यूसली फोकस्ड हैं, और एक काफ़ी लंबे समय से एक ही प्रोसेस चल रही होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कैसे ब्रेक करें और कैसे उस स्ट्रेस को लेवल को कम करते हुए अपनी चीज़ों को और बेहतर करें? देखिए सर, स्ट्रेस को कम करने का सबसे पहला स्टेप तो है कि आप पहचानें आपको स्ट्रेस आ कहाँ से रहा बिल्कुल। है कि नहीं, आपका पर्सनल लाइफ में है, एकेडमिक में है, करियर में है, कहाँ से आपको स्ट्रेस आ रहा है। और फिर दूसरा मैंने बोला था कि स्ट्रेस को पहचाने, अपना मेंटल स्टेट को पहचाने, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एनजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, क्या है, और उसको एड्रेस करें। देखिए, एक UPSC सिविल सर्विस एस्पिरेंट के नज़रिए से मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रेस कम तब होता है जब आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। आपने टेस्ट सीरीज में कुछ करा, अच्छा रिजल्ट आया, आपने कोचिंग में कोई टेस्ट दिया, आपने कोई नोट्स बनाए, वो आपको याद रहे, हफ्ते भर बाद भी आप उसको आंसर में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस कम होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कम तब होता है जब आप लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, नीचे ही सही हाँ, पर लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्ट ऐसा में लगता है आना। चलिए मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ कुछ लोग होते हैं 4-5 अटेम्प्ट देते हैं, फिर 5वें अटेम्प्ट में जाके डायरेक्ट IAS बनते हैं। तो उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं बोल पाऊंगा कि देखिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स खुद को दीजिए। जैसे मैंने कहा था कि आज रात का टारगेट, आज रात तक मुझे ये खत्म करना है, एक हफ्ते में मुझे ये खत्म करना है, और एक महीने में मुझे ये सब टॉपिक्स खत्म करने हैं। अगर आप इस सब को खत्म कर पाएंगे तो अगले दिन आप पॉजिटिव अपने बारे में फील करेंगे कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अगर आपको मन में स्ट्रेस आ रहा है तो जी बात कीजिए लोगों से, बिल्कुल, बस ये तरीका थोड़ा है। सा मुखर हो जाइए, क्योंकि मुखर होना ही सबसे अच्छी बात होती है। और जैसे कि अभिषेक सर ने भी कहा है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कीजिए, अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप मुखर नहीं होंगे, तब तक अपनी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, तब तक जो
बात है वो आपके मन के अंदर रहेगी और वो आपको स्ट्रेस की ओर लेकर जाएगी। तो मेरा तो कहना है सभी युवा दोस्तों से यही है कि अब भी कभी जब भी आप ऐसा फील करते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, तो बस अपने दोस्तों को पकड़िए, फैमिली वालों को पकड़िए और उनसे दिल की बात जो भी है कह दीजिए। निश्चिंत मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि आपको सही रास्ता ज़रूर मिलेगा। सर अभी जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बाकी किसी बड़े एक टारगेट को अचीव करने की बात करते हैं, तो कोचिंग्स की बात आती है और हम लोग सोचते हैं कि कोचिंग्स ही एक वो माध्यम होती है जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को उसमें जाकर ब्रेक कर देंगे, मतलब कोचिंग गए और हम सीधे आईएएस बन गए। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, उसको क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं बोलूँगा तो आपकी खुद की कंसिस्टेंसी है। जी कंसिस्टेंसी आएगी कहाँ से? जब आप अपना मोटिवेशन पहचानेंगे ओके कि मेरे को असल में एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ क्रैक करके, मैं सोसाइटी का भला करना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ या मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो जब आपके फेलियर्स आएंगे रास्ते में, जैसा कि मैंने कहा था टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस फेलियर के गड्ढे से आपको आपका मोटिवेशन निकाल पाएगा, ओके पहली बात। दूसरी बात, ये पहले 15-20 साल पहले तक ऐसा होता था कि यूपीएससी का क्रैक करने का मतलब है दिल्ली जाना, दिल्ली आजकल जाना। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनने बिना दिल्ली जाए पूरी तैयारी करी है, ऐसे कुछ लोग हैं जो दिल्ली जाते आते रहते हैं, जैसे मैं भी आता जाता रहता था दिल्ली, और कुछ लोग ऐसे भी जो दिल्ली में तैयारी करते हैं। यूपीएससी ने कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करी है कि जो कोचिंग्स का मॉडल है कि हमारे पास आइए हम आपको आईएएस बना देंगे, इस चीज़ को डिसमेंटल किया जाए। आजकल जैसे पेपर्स आ रहे हैं वो खुद टेस्ट करते हैं कि आप कुछ जो मटेरियल है ऑनलाइन आपके पास, क्योंकि आप देखिए इंटरनेट का ज़माना है, आपके फ़ोन के एक थंब के टैप पे आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आप वो कभी पूरा याद भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अंदर लेके कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उससे कैसे पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो चीज़ यूपीएससी टेस्ट करी है, और वो चीज़ आजकल कोचिंग नहीं बताती है उतना। तो मैं बोलता हूँ कि कोचिंग्स आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं, थोड़ी सी दिशा दे सकती हैं, आपका फाउंडेशन बना सकती हैं, पर उसके बाद जो तैयारी है वो आपका सेल्फ स्टडी ही है, और आपका कंसिस्टेंसी और आपकी सिंसियरिटी ही है। और ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन आपका सिर्फ कोचिंग ही बना सकती है, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैंने देखी है जीएस के लिए, जो जनरल स्टडीज होता है उसके लिए कभी कोई कोचिंग नहीं करी। मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था, मैंने कॉलेज में सिंसियरली पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्लियर करा था, तो मेरे को ऑप्शनल के लिए भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने अगर मेन्स के लिए कोचिंग करी है तो ऐसे में करी, तो उसका तो अंत में मुझे नुकसान ही हुआ था। तो मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए डायरेक्शन सही पकड़िए, फ्रेंड्स और पीयर्स की गाइडेंस लीजिए, ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से अच्छे वेबसाइट्स हैं उसके नाम मैं बता सकता हूँ, उनको फॉलो करिए और फिर खुद कंसिस्टेंटली मेहनत करिए। और फिर कोचिंग्स जो हैं वो काफ़ी सारे कोचिंग्स ने टॉपर्स की, जो पिछले पिछले ईयर्स के टॉपर्स हैं उनके टॉक्स होस्ट करे हुए हैं, उनके आंसर शीट्स होस्ट करे हुए हैं, उन आंसर शीट्स को आपको पढ़ के आइडिया लग जाएगा मुझे कैसे मेहनत करनी है। इवन आपसे मेरे बातचीत में पता लगा था ब्लॉग्स वगैरह भी हैं, जी तो इनके थ्रू जी, आप नॉलेज गेन कर सकते तो हैं। अब कोचिंग, अब मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एकमात्र साधन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑप्शनल के लिए, जैसे मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है, उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कोचिंग जाइए, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग ही ऑप्शनल था। ओके बट जनरल स्टडीज के लिए कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, तो कैसे आपने तैयारी का मन बनाया, कैसे आपने आप ने टाइम टेबल को डिसाइड किया, वो एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है जी। क्योंकि समय जो है वही हमारी कुंजी है और आज सफलता की कुंजी के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। टाइम इज़ मनी, तो उस टाइम का प्रबंधन आपने कैसे किया? सर देखिए, ये एग्जाम जैसा है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, हर स्टेज के लिए आपको खुद को ओरिएंट करना होता है। बिल्कुल जैसी पढ़ाई आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं वैसे आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो अगर पढ़ाई डिफरेंट है, तो जैसे एग्जाम का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो पढ़ाई भी डिफरेंट है, बिल्कुल पढ़ाई डिफरेंट तो टाइम का डिवीजन भी डिफरेंट है। अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे फोकस करना पड़ेगा फैक्चुअल चीज़ों पे, और मेरे को नोट्स भी अपने उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे, अपना दिन भी वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जनरली मेरा ये होता था कि अखबार पर मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता था, आजकल करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब में आती हैं, जी तो मैं 3.5 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर पर सिंसियरली लगाता था। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा। मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, किसी कोचिंग पर रिलाई नहीं करता था, तो मैं न्यूज़पेपर में सिंसियरली टाइम लगाता था। मेरा दिन 12 से 13 घंटे का होता था पढ़ाई का, 3.5-4 घंटे अखबार पर लगा दिए, 4 घंटे सब्जेक्ट 1, 4 घंटे सब्जेक्ट 2। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक तरीका ये भी है कि आप 10 घंटे एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ें, आपका दिमाग थक जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, आपको रिटेन भी नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इसलिए 2 सब्जेक्ट पढ़ें एक दिन में अखबार के अलावा। तो मतलब अगर बात की जाए रिफ्रेशमेंट की या फिर थोड़ा सा कैजुअली लाइट से एक हल्के से मूड करने के लिए, तो उसके बीच के जो गैप को आप कैसे फिल करते थे? जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी अपनी बना के रखनी है तो आपको ब्रेक भी सही से लेने पड़ेंगे। मेरा ब्रेक लेने का तरीका ये होता था कि छोटे छोटे ब्रेक्स लें और मल्टीपल ब्रेक्स हैं, एक लंबा ब्रेक आपको फायदा नहीं करेगा कि दिन में आपने सुबह सुबह उठ के 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, अब दिन भर 12 घंटे पढ़ने का सपना देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो देखिए सर, मेरा तरीका ये था कि 6:30 घंटे में रात को सोता था। ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं 1 बजे ही सो जाऊंगा, 1 से 2 के बीच में मैं सोता था कभी भी, बट 6:30 घंटे सोता था रात को, ये फिक्स था। और दिन में 3 बार 10 मिनट की पावर नैप, आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें मैं बिल्कुल उसी से पावर नैप का कंसेप्ट सीखा था, और वो लगभग मैं 10 साल से करता हूँ अब। तो दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, आपको 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक मिलेगा, बहुत रिफ्रेशिंग होता है फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वो मैं लेता था, तो 10 मिनट के तीन तीन ब्रेक ये हो गए दिन के। उसके बाद सर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से एसोसिएट नहीं होना, मैं तो सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंटली था। और मैं सिर्फ ये नहीं बोला कि वो ब्रेक लेने के लिए, वो आपकी पढ़ाई में भी हेल्प कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फेसबुक पेज है, उस पर 1-1 मिनट के वीडियो आते हैं, 40-50 सेकेंड, 1 मिनट, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, वो डायरेक्टली आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मेंस में और इंटरव्यू में अपने आंसर में यूज़ करा, तो मेरा आंसर थोड़ा अलग दिखता था लोगों से। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया पे आप एसोसिएट हो सकते हैं, वो एक ब्रेक का माध्यम भी हो सकता है, और वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, पर मैं ये बोलूँगा कि आप सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों की सक्सेस देख के खुद जेलस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया पे अपन बात कर सकते हैं, हाँ बट अपन ब्रेक की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ब्रेक पर ज़्यादा फोकस किया है। बिल्कुल और फिर मेरा ये हॉबी है कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, ओके तो वो भी मैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारे वेब पेजेस हैं, नेशनल ज्योग्राफिक का है, डिस्कवरी का है, वो देखता रहता था, छोटे छोटे 5-10 मिनट का कुछ देख लिया। तो ये रिफ्रेशिंग सा ब्रेक होता है, रिफ्रेशमेंट और फिर बिल्कुल आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप आपके सामने होता है, 2 मिनट में चालू कीजिए, देखिए बंद कर दीजिए। बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है ये एक वरदान की तरह है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इससे सीखने और देखने को मिलती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम अभिषेक सर से करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ते हुए अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं, और आफ्टर पैंडेमिक युवाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे और उनका उत्तर भी पाएंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त चला है कार्यक्रम में इस छोटे से अंतराल का। छोटे संतराल के बाद मैं विवेक का स्वागत करता हूं आप सभी युवा दोस्तों का एक बार पुनः आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम युवा समय में। अभी हमारे साथ में है यूपीएससी 8 रैंक हासिल किया और प्रदेश में टॉप किए अभिषेक श्राफ जी, जो हमें बता रहे थे कि कैसे हम सफलता की कुंजी को लें और आगे बढ़ते चलें, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो जानने को मिल रही है। सर, मेरा अगला सवाल जो है वो है सब्जेक्ट को लेके, विषय जब भी हम चुनते हैं यूपीएससी के अंदर तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे मतलब जितने भी इंजीनियरिंग सेक्शन के जो लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग वाले ही सब्जेक्ट चुनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉमर्स के थ्रू आते हैं या फिर बाकी जगहों से आते हैं। कई बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी हो जाता है, तो कैसे हम चीज़ों को समझें और विषय के समय चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके साथ जो दुनिया चेंज हो रही है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटीज़ अब ज़्यादा डिमांड में रहेंगी। तो मैं ये नहीं मानता कि आपने इंजीनियरिंग में डिग्री करी तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग की नॉलेज पर ध्यान दें, और सिविल सर्विस की डाइवर्सिटी ऐसी है कि आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा अपने सर्विस में आके। और इसी के माध्यम से सिविल सर्विस, यूपीएससी जो आपको है सिविल सर्विस एग्जाम में अपॉर्चुनिटी देती है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कराओ, 24-25 ऑप्शनल होते हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ऑप्शनल चुन रहे हैं, क्योंकि आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में मार्क्स आएंगे 110, 115, 250 में से, ओके और ऑप्शनल के पेपर में मार्क्स आते हैं आपके 150, 160 और 170 भी आ जाते हैं। और जहाँ ये ऐसा एग्जाम है कि एक नंबर पे 10 रैंक खिसक जाती हैं, तो ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब मार्केट में ये खबर है कि XYZ ऑप्शनल में 360 नंबर आ रहे हैं टॉपर्स के तो लोगों को लगता है नहीं, मैं ये ऑप्शनल चुन लेता हूँ क्योंकि इस टॉपर के 360 नंबर थे। पिछले साल के रिजल्ट में टॉप 5 में एक ऑप्शनल था जिसके 2 टॉपर्स थे, और सिविल इंजीनियरिंग जो मेरा ऑप्शनल है उसमें टॉप 200 में कोई नहीं था। ओके तो लोगों को लगता है कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग चुन के कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होते। बट ओके मैं ये बोलूंगा कि सर, ये अप्रोच सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप स्कोर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अब अगर ऑप्शनल, कुछ लोग, कोई कोई बंदा है जो उस ऑप्शनल को इंटरेस्ट पे चुन रहा है और आप सिर्फ मार्क्स देके चुन रहे हैं, तो आप अपने आप को डायरेक्ट में एक कंपटीशन दे रहे हैं, जो इंटरेस्टेड मोटिवेटेड होके पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट को, आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। और ऑप्शनल में होती है, जैसा कि कई लोगों ने बोला है, कि ऑप्शनल में स्केलिंग होती है,
तो आप खुद बताइए कि आप इंटरेस्टेड मोटिवेटेड आदमी से कॉम्पीट कर सकते हैं कि जो 10 घंटे पढ़ रहा है ऑप्शनल के बारे में बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है, आप उससे कॉम्पीट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। बिल्कुल उसके 360 आएंगे आपके वापस 290 270 आ दो जाएंगे सौ सत्तर आ जाएंगे। और स्केलिंग होती है ऑप्शनल में। तो मैं कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शनल वो लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। पहली बात, 10 घंटे आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने एडवाइस किया था कि 10 घंटे एक सब्जेक्ट ना पढ़ें, बट फिर भी आप उसको 10 घंटे पढ़ सकते हैं, अगले दिन पॉजिटिव फील कर सकते हैं उसके बारे में, ऐसा ऑप्शनल लीजिए। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि सर मटेरियल होना चाहिए उस ऑप्शनल का मार्केट में, अदरवाइज आपको बुक्स खुद खुद पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी नो डाउट अबाउट दैट, बट फिर टाइम का भी एक वैल्यू होता है। तो अगर आपको दो सब्जेक्ट हैं जिसमें दोनों में आपको बराबर इंटरेस्ट है तो मटेरियल वाले ऑप्शन पर जाएं जिसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, जो पिछले साल के रिजल्ट हैं उसके हिसाब से ना जाएं, बैकफायर करता है कई बार। और फिर यूपीएससी की साइकिल भी होती है, कोई ऑप्शनल चला है 2-3 साल फिर वो एकदम से नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दें कि इंटरेस्ट ऑप्शन लें ना कि पिछले साल के रिजल्ट से। बिल्कुल, ये सभी एग्ज़ाम के अंदर लागू होता है कि क्योंकि हम समय समय पर अपडेट होते हुए चलते हैं और एग्ज़ाम भी अपडेट होते हुए चलते हैं। पहले एग्ज़ाम जो थे वो मैनुअली हुआ करते थे, अब वो टेक्निकली आईटी इंफॉर्मेशन बेस्ड हो चुके हैं, ऑप्शनल हो चुके हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो काफ़ी सारा जो ज्ञान है वो अलग अलग जगहों से आता है, तो हमें अपने आप को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। अभिषेक सर, अब जब हमने आपकी सफलता के बारे में जाना, आपकी मेहनत के बारे में जाना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में जाना और आपकी यहाँ तक की यात्रा को जाना, अभी अब जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आज जब भारत के अंदर बहुत सारी हैं जो अलग अलग तरीके से आत्मनिर्भर बनने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप निरंतर पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और काफ़ी आप वर्ल्ड के बारे में जानते भी हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पोजीशन पर रखा कि मैं किसी को कुछ संदेश दे पाऊँ। सर देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया एक यंग कंट्री है, 29 साल हमारी एवरेज एज है और हमारी पॉपुलेशन भी 130 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अभी लोअर मिडिल इनकम स्टेटस से अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो हमारा सबसे बड़ा जो एसेट होंगे वो होंगे युवा। कैसे वो खुद को डेवलप करते हैं, कैसे वो खुद को प्रोडक्टिव बनाते हैं, कैसे वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ये अगले 20 से 30 साल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा कंट्री किस डायरेक्शन में जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी युवा जो हैं उनको ये फोकस करना चाहिए कि वो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करें और अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं कि स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। लिटरेसी एक चीज़ है, फंक्शनल लिटरेसी है कि आप पढ़ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, बट आपका एजुकेशन जो होता है, जो आपकी वैल्यूज होते हैं, आपके कैरेक्टर होता है, आपका एथिक्स होता है, मोरालिटी होती है, उसको डेवलप करें। फिर एजुकेशन का एक पार्ट है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा कॉलेज में जाएं। बिल्कुल, एनरोलमेंट रेशियो हम कॉलेज का बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई है अभी। तो मैं चाहूँगा कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहे। दूसरा, अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो आप इकोनॉमी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि युवा अपना हेल्थ पर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए आजकल जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ पैंडेमिक के नजरिए से नहीं बोला, उसके पहले भी कि जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, ये सब बढ़ रहा है और मोर्टेलिटी उसके कारण बढ़ती जा रही है, यंग लोग भी उसके शिकार बन रहे हैं। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, फिटनेस पे ध्यान दें और मेंटल हेल्थ, मैंने अभी 3 बार एम्फसाइज किया था शो में कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस भी खराब होंगे, आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाएंगे, इस चीज पे ध्यान दें। तीसरा, मैं ये बोलूंगा कि देखिए बहुत डायनामिक दुनिया है, 20 साल पहले इंटरनेट का भी नाम भी नहीं जानता था। बिल्कुल, अब है कि आधे से ज्यादा बिजनेस इंटरनेट पे होने लगा है, ई कॉमर्स कंपनीज आ गई हैं। कहने का मतलब यह है कि रोबोटिक्स आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। अब हो सकता है कि ये टाइम्स मैगजीन में बोला गया है कि 2030 में टाइम्स मैगजीन के कवर पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सीईओ होगा। okay. आज से 10 साल बाद बोला गया है। अब ये हो ना हो, पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी आ रही है, तो खुद को अपडेट करते हुए चलिए। बिल्कुल, अब मेरा मानना यह है कि 21वीं शताब्दी में इलिटरेट वो लोग होंगे जो those who don't unlearn, learn and relearn, मतलब जो सीखा हुआ है उसको भूलें, जो नया आ रहा है उसको सीखें और अप्लाई करें। तो डायनामिक रहें, स्किल डेवलपमेंट अपना करते जाएं और कॉम्पिटिटिव रहें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा भूल जाइए, जो नया आ रहा है उसको सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो रहेगा 21वीं शताब्दी में वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही रहेगा। तो अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी हमसे साझा करी और इतना अच्छा संदेश हम सभी युवाओं का दिया। तो मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार पुनः शुभकामनाएँ और भविष्य के लिए आप जहाँ भी रहें आप निरंतर युवाओं को प्रेरित करते रहें और इसी तरीके से मुस्कराते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में आज अभिषेक अश्राफ सर, जो कि हमें बतला रहे थे कि कैसे सफलता को हमें पाना चाहिए। उनकी मेहनत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम आशा करते हैं कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन्होंने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा होगा। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद की बात मुझे हमेशा याद आती है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकिए मत, थकिए मत, आगे बढ़ते चलिए। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट और दोस्त विवेक कहार को कार्यक्रम युवा समय से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।